मेरा घर आ गया? इतना जल्दी कैसे मेरा घर आ गया? मुझे लगा था कि मुझे बहुत चलना पड़ेगा। अरे भाई, तू ठीक है ना भाई? तू ना ठीक ही रहना, तू ठीक रह। दरवाजा, मेरा घर का दरवाजा। फिर से पी के आ गए? और कोई काम धंधा नहीं ना तुम्हारे पास सिवाय दारू पीने के? भाषण मत दे, चल खाना गरम कर मेरे लिए, चल खाना गरम कर। खाना नहीं मिलेगा, तुमने वादा किया था ना कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, तो ये क्या है? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, नहीं देखी ना खाना? हट दे, आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा, तभी तेरे दिल को खुशी मिलेगी। ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अपने हाथ से खाम रख, समझे? काम में टांग हड़ाते रहेगी ना? ये कौन सा काम चालू कर दिया है तुमने? जॉब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने लगी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को हाथ लगाने की? पहले बताओ क्या करना चाहते तुम इस गन का? बोलो बताओ, खून करोगे किसी का? हाँ, मैं खून करूंगा, लेकिन सबसे पहले ना मैं तेरा खून करूंगा। बस बात हो गया, मैं अब CID के पास जाऊंगी। अपने पति को तू CID की दोस्त दिखा रही है? मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम जेल चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इन बातों को क्यों नहीं समझते? मुझे ये दे दे मेरी गन। नहीं दे मुझे गन। नहीं दूंगी गन, दे मुझे। कहा मैंने गन दे? नहीं दूंगी। आप देखो जाओ, आपको कैसे हुई? कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही। अरे ये क्या बताएंगे सर, मैं बताती हूँ ना आपको, ये है इनके जख्म की वजह। क्या इस? आप लोग खुद ही देख लीजिए सर। हाँ सर, गोली तो बस छू के निकल गई, लेकिन उम्मीद है इन्हें अकल का थोड़ा तोहफा दे गई हूँ। पर ये गन है किसकी? मेरी नहीं है सर। तुम्हारी नहीं? तो तुम्हारे पास कहाँ से आई है? सर, बॉक्स में से ये पर्ची निकली। सच सच बता, कौन मरने वाला है? मुझे नहीं पता सर। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? शाम तक काम खत्म करना है उसका। क्या ये वो क्या जो पूछ रहे, उसका जवाब दो। बोलो कौन मरने वाला है? मुझे तो पता भी नहीं था कि इस बॉक्स में गन है सर। तो तुम्हारे पास ये बॉक्स कहाँ से आई? कल रात की बात है, मैं ठेके पे शराब पीने गया और अरे मेरा खाना बाकी है उधर। बस ये पे एक फूटी कौड़ी नहीं और फुकट के पीना चाहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ठीक है, एक बार ना पैसे आ जाने दे, ये तेरा ठेका ना खरीद लूंगा पूरे का पूरा, समझा? हाँ चल देख लेंगे, अभी निकल। शराब पीने नहीं देता मेरे को। अरे क्या हालत बना रखी है,
पैसे चाहिए पैसे? तू देगा मेरे को पैसे? अरे मेरा एक काम करेगा ना तो मैं तुझे पैसे से माला माल कर दूंगा। ये बक्सा ले और इसे मेरे बताए पते पर रख देना। इसके बदले में मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। 5,000? 5,000? वैसे बक्से में है क्या? काम से काम रख, समझे? सर, मैं नशे में था, मुझे गुस्सा आ गया, छीना झपटी हुई, घर नीचे गिरी और गोली छूट गई। सर देखा शराब का असर, अगर गोली तुम्हारे पैर को ना छूते हुए कहीं और लग जाती तो तुम्हें? देर सही सही, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा सर। और शराब के साथ साथ अपनी पत्नी पे अत्याचार करना भी बंद कर दोगे। इसके चेहरे के जख्म साफ साफ बता रहे कि तुम इस पे हाथ उठाते हो। शराब पी के खुद पे काबू ही नहीं रहता, जानवर बन जाता हूँ जानवर। लेकिन वादा करता हूँ आज के बाद मैं शराब छूंगा भी नहीं। और मैं भी वादा करता हूँ, अगर तुमने अपना ये वादा पूरा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे अब से कोई शिकायत नहीं सर, मुझे इन पे पूरा भरोसा है, ये अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। अच्छा तो ठीक है। कविता, अगर इसने कभी अपना वादा तोड़ा तो हमसे मदद मांगने में कभी हिचकिचाना मत। अच्छा, जिस आदमी ने तुम्हें ये बॉक्स दिया था उसका चेहरा याद है? जी सर। ठीक है, उसका स्केच बनवा दो हमारे लिए। और ये बॉक्स कहाँ रखने के लिए कहा था तुम्हें? संभाल संभाल, लड़की बॉक्स के पास खड़ी है, कहीं बॉक्स के लिए तो नहीं आई है? नहीं, वरना अब तक तो वो बक्सा उठा के ले गई होती। वो तो किसी दोस्त या सहेली का इंतजार कर रही है। देखा, मैंने कहा था ना, आ गया उसका दोस्त निखिल। इतने सालों से सीआईडी में काम कर रहा हूं, एक ही नजर में पहचान लेता हूं। ए, निखिल पकड़, पकड़ मुझे, बस उठा के ले गई। अरे अरे बाप रे, तूने मेरी हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेता है? मर गया मैं। दया सर को फोन करता हूँ, मर गया। हेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, दो दो होना सीआईडी ऑफिसरों के होते हुए वो लड़की यहाँ से बॉक्स लेके गई कैसे? सॉरी सर, हमें लगा वो किसी दोस्त का इंतजार कर रही है। बड़ी तुमसे लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, उस बॉक्स में गन थी, असली गन। अब वो असली गन किसी गलत हाथ में लग गई है। बाइक का नंबर क्या था? सर पूरा नंबर तो नहीं देख पाया सर। बाइक का नंबर नहीं देखा तुम लोग? नहीं सर, देखा सर, वो बहुत स्पीड में थी सर। इसके लास्ट का दो डिजिट्स देख पाया सर, 7 और 6 था सर। 7 और 6? और सर बाइक बहुत बड़ी और वजनदार बाइक थी सर। भारी बाइक तो होना हो, ये तूफान बाइक होनी चाहिए। कुछ और बता सकते हो बाइक के बारे में, आप उसका रंग वगैरह? सर काले और लाल रंग की बाइक थी सर, और उसके नंबर प्लेट पे कुत्ते का स्टिकर चिपका हुआ था। कुत्ते का स्टिकर, शुक्र है कुछ तो याद है तुम्हें। इस तूफान बाइक के कंपनी में जाके पता करते हैं इस बाइक के बारे में। अरे जरा देखो, जरा इस आदमी को यहाँ पे देखा है क्या? नहीं साहब, नहीं देखा। कल रात में? नहीं। अरे अरे, इतना क्यों पीता है जब ठीक से चल नहीं पाता है? सॉरी सर, इसको ढूंढ रहे हो? हाँ ढूंढ रहे हैं। जानता है तू इसको, देखा है?
हाँ लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि दारू पिलाओगे तो बता दूंगा। हम लोग ऐसे गलत काम नहीं करते, समझे तुम? आप सीआईडी हो गया? हाँ। तब तो पूरी उतर गई, अब तो बताना पड़ेगा नहीं तो आप धमकाओगे। मैंने इस आदमी को यही देखा था, यही एटीएम से बाहर निकल रहा था। कब? किस टाइम पे? वही ठेका बंद होने के 10-11 बजे रात को। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा उसने किस टाइम पे पैसे निकाले हैं और उससे उसका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। और अकाउंट नंबर से उसका एड्रेस। करेक्ट। हाँ जी बताइए। हम यहाँ एक बाइक के बारे में कुछ पता करने आए। पता करना है मतलब? मतलब ये कि आपके यहाँ से जितने भी तूफान बाइक काले लाल रंग के बिके हैं और जिनका नंबर 76 पे खत्म होता है, हमें उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। ये डिटेल्स इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि हम हर आदमी को नहीं दे सकते। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये क्या होता है? तुम्हें सीआईडी नहीं पता? देखो हम यहाँ एक केस के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी, कुछ समझ में आया? सीआईडी? कहीं आप उस सीआईडी की बात तो नहीं कर रहे जो मुजरिम को पकड़ती है? सही पहचाना आपने। सॉरी सर, आप लोग बैठे ना प्लीज। हमारे पास टाइम नहीं है। बताइए आपको कौन सी बाइक चाहिए? हमें बाइक नहीं चाहिए, हमें उन कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए जिन्होंने आपके यहाँ से काले लाल रंग के तूफान बाइक खरीदी। आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं भी डिटेल्स लेके आता हूँ। आप लोग? वो हम लोग बाइक के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, बाइक का। हाँ याद आया, आप लोग बाइक्स देखने आए हैं ना? ये देखिए, ये एकदम अभी की लॉन्च की हुई बाइक है, एकदम लेटेस्ट वर्जन। आप इनको देखिए फिर, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि तूफान बाइक अपने नाम की तरह तूफान है। भाई साहब हमें ये बाइक्स नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? सर आप जब मैडम को अपनी बाइक की पिछली वाली सीट पर बैठा के घुमाएंगे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपसे कहा ना हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस की तहकीकात में यहाँ पे आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, सीआईडी। माफ कीजिएगा मुझे जरा भूलने की बीमारी है, कभी कभी तो मैं अपना नाम तक भूल जाता हूँ। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, हमें एक तूफान बाइक जो आपके यहाँ से बेची गई थी काले लाल रंग की जिसका नंबर 76 पे खत्म होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। मुझे याद आया, ये लीजिए, ये रही आपकी फाइल। आप इसको देखिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। सर मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ इससे पहले कि आ जाए और हमें भूल जाए। लास्ट क्षेत्र वाली लिस्ट देख लेता हूँ जल्दी से। क्षेत्र वाली लिस्ट ये रही सर। गुड। ये 38वां घर है जहाँ पे 76 सीरीज वाली बाइक है। सर यही बाइक है सर। सर वही नंबर प्लेट और ये कुत्ते वाला स्टिकर भी चिपका है। अंदर चल के देखते हैं। सर विनोद नाम है इसका। जी कहिए। सर विनोद। हाँ मैं ही विनोद हूँ। ये बाहर जो बाइक खड़ी है ये आप ही की है ना? जी हाँ मेरी है, पर माफ कीजिए मुझे इसे बेचना नहीं है। सो बेच दो, फायदे में रहोगे। मतलब? मतलब ये कि तुम जेल जाओगे तो ये बाइक यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, उसे अच्छा बेच ही दो। जेल? हाँ जेल, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तूफान की तरह उड़ने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? तुझे मैं बताता हूँ तूफान किसे कहते हैं। बट उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया था और कहा था ये काम करने के लिए, उसी काम के मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने वाले थे, सो मैंने कर दिया। कैसा काम? मुझे उसको वहाँ से उठाकर हाईवे पे छोड़ना था। वो लड़की कहाँ है अभी? कसम से
मुझे सच में नहीं पता सर, वो लड़की कहाँ है, कब कहाँ है, मुझे सच में नहीं पता सर। अरे बॉक्स, वो तो लड़की लेकर गई। कितने पैसे मिले थे तुझे इस काम के लिए? सर मुझे तो थोड़े बहुत पैसे मिलने वाले थे और वो भी नहीं मिले सर। वो क्यों? क्योंकि सर वो बॉक्स में एक नकली गन थी। नकली? हाँ नकली गन। और फिर मैंने जग्गू को कॉन्टेक्ट किया। वही जग्गू ना जिसने गौरव को बार के बाहर वो गन की बॉक्स दी थी। पर उसने तो कहा कि वो गन असली थी। तूने उस लड़की और जग्गू की कोई बात सुनी थी या किसी और की कोई बात सुनी थी? सर वो लड़की कहाँ जा रही थी, किससे बात कर रही थी, ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं। पर हाँ सर एक बात जरूर मैंने सुनी है, वो किसी चोरी के घर किसी को मारने का प्लान कर रही थी सर। चोरी के घर? कौन है ये चोरी? उसने नाम तो नहीं लिया, पर हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि कोई बंगलो नंबर 10 में वो चोरी रहता है। ठीक है, पता करो शहर में ऐसे कितने बड़े रईस जोरी हैं जो 10 नंबर के बंगले में रहते हैं। सर। और तू चलो हमारे साथ। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या? असली गन की जगह पे नकली गन कैसे आ गई? बड़ी वक्त रहते अभिजीत ने और मैंने वो गन बदल दी थी। ओ सर, उस बंगलो नंबर 10 का पता चल गया। ये उसी जौहरी का बंगलो है जिसके बाहर गौरव ने वो गन वाला बॉक्स रखा था। ओ तो वो है बंगला नंबर 10 जिसके बाहर वो गन रखी गई थी। पर होने क्या वाला था वहां पे? सब चाय। चाय इस वक्त? यार सुबह से ना 4 कप चाय पी चुका हूँ। इतनी वक्त है क्या चाय पिलाने का? कुछ खाने आने का इंतजाम होगा या आज दिन भर इस चाय को पीकर अपना पेट भरूं मैं? साहब जी वो उषा, मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी तक खाना क्यों नहीं मिला इसे? माता जी वो भाभी जी बना रही है खाना। बस तो फिर तो मिल गया खाना, उसे फिक्र ही नहीं मेरे बेटे की, कैसी पत्नी है। माँ अब रहने भी दो ना, छोटी सी बात है और वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं लगी है। ठीक है। हाय रे मेरा बेटा कितना सबर। और एक वो, अरे फिक्र मत करिए माँ जी, आपके बेटे को भूखा नहीं मरने दूंगी मैं। देखा कितनी जबान चलती है उसकी। माता जी मैं जाऊँ? हाँ जा और खाने का कुछ कर। सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे। शॉपिंग कैसी रही? मत पूछो माँ, थका दिया आपकी बहू ने तो आज। अरे थकाती कैसे नहीं, अपनी प्यारी सासू माँ के लिए प्यारे प्यारे तोहफे जो लेने थे। अरे वो संजय दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है संजय? अरे देखो आ गया। जी आंटी जी, हम तो कॉलेज देखने गए थे, बहुत ही पसंद आया हमें यहाँ का कॉलेज। चलो अच्छी बात है, अब तो यही उम्मीद है तुझे कॉलेज की तरह ये शहर भी रास आ जाए। मम्मी इसे ना ये शहर अभी से रास आने लगा है। अच्छा एक काम कर, जल्दी से मुँह हाथ धो ले, साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी जैसा आप कहें। ओ भाई तू भी जाके हाथ मुँह धो ले ना, धूप में घूम घूम कर तेरा चेहरा काला पड़ गया है, चल जा। आप ही कुछ बड़े हो गए पर बचपना अभी तक नहीं गया। हाय किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अरे अज्जू। अज्जू पाया गुमा जी, कैसे हो भाई? जी तारे खुश रहे, बड़े दिनों बाद आया, आज तो खाना खिलाकर ही भेजूंगी। ये लोग, ये हैं मिस्टर एंड मिसेस खटमल और ये इनके सेक्रेटरी खुजली। नमस्ते। खटमल और खुजली, ये कैसे नाम हुए? अच्छा माँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माँ जी ये लोग आपका घर खरीदना चाहते हैं। हेलो। रुक जाओ। अरे क्या हो गया? खुजली तुम इतनी बड़ी भूख कैसे कर सकते हो? अरे बाप रे बाप, मैडम आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। सब काम याद दिलाना पड़ता है तुझे, गलती हुई। ओ बाबू थैंक यू सो मच, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। इट्स ऑल ओके। हेलो आप लोगों को घर कैसे लगा? अभी घर देखा कहाँ है आपका? मैं दिखाता हूँ ना सर आपको, अभी दिखाता हूँ। अरे खाने का क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुआ?
मीना आज भूखा ही मारेगी क्या? खुशदीप टिश्यू दो जल्दी। मिसेस खटमल आप ठीक हैं? खुजली चल। ये आप लोग अपने घर की साफ सफाई नहीं करते क्या? कितना धूल है यहाँ पे, मेरी बीवी को बार बार छींक आ रही है। सॉरी पर इतनी धूल तो हर घर में होती है ना। इतनी धूल, मेरा चीक चीक के मेकअप खराब हो गया। ओ बाबू आइए आइए मैम, सर आइए मैं आपको पूरा कर दिखाता हूँ। आइए मैम प्लीज इधर से आइए मैम प्लीज आइए मैम आइए आइए। बाबू संभाल के, इशू कहाँ है तुम्हारे? It's okay. मैं ठीक हूँ। सर मैं तो कहता हूँ शुभ काम में देर मत कीजिए, अब आप ये घर खरीद ही लीजिए क्योंकि आपके बजट में इससे अच्छा बंगलो आपको नहीं मिलेगा। भाई साहब बजट की बात कैसे की आपने? हमारे बॉस को ये घर पसंद है इसलिए ये घर ले रहे हैं, समझे आप? इनके पास इतना पैसा है ना, आसपास का पूरा मोहल्ला खरीद सकते हैं। उजली प्लीज, वैसे अगर ये बंगला इतना अच्छा है तो ये लोग बेच क्यों रहे हैं? दरअसल बात ये है कि विशेष जी ने नया घर खरीद लिया जो इससे भी ज्यादा बड़ा और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए वो अपना ये घर बेच रहे हैं। आइए सर मैं आपको बाकी के कमरे दिखाता हूँ। सर आइए प्लीज, आइए मैम आइए आइए सर आइए 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 आइए। आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग, बाकी का घर बाद में देख लीजिए, पहले खाना खा लीजिए। नहीं खाने की जरूरत नहीं। सर खा लेते ना सर, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, और खाने को ना सही टाइम पे खा लेना चाहिए सर, वो पचने में आसानी हो जाती है ना। आइए ना प्लीज बैठिए। कल्लू जी, जी माँ जी खाना परोसो। अरे एक सेकंड सर, मैम एक सेकंड। वेरी गुड खुजली, तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इतना बड़ा पेट है कि चूहे दौड़ दौड़ के मर जाएंगे। खुजली कहीं का सर, मैंने सोचा कि हम लोग बैठ जाते ताकि किसी को शक ना हो कि हम लोग सीआईडी से। सीआईडी सीआईडी छी, ऐसा गंदा खाना। आप लोग प्लीज खाइए, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनकी तो आदत है हर चीज में कमी निकालने की। काश बड़ी बहू को चुनते वक्त इसकी कमियां निकाली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। नाक कटवा दी इसने मेरी। माँ सबके सामने भाभी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तो रहने दे पुलकित, मत ले इसकी साइड। इस औरत को 10 साल पहले इसकी शादी करा के इस घर में लेके आई थी मैं। टीवी पर खाना बनाने का शो आता था इसका, सोचा था मेरे बेटे को खुश रखेगी, ये खाना बनाया इसने। कम से कम बनाती तो हूँ, आपकी इस चमची की तरह नहीं सारा दिन आपको मक्खन लगाती रहती है। सासू माँ, बहू माफी मांग शगुन से। मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कोई गलती नहीं की है। हम वो बाकी का घर देख सकते हैं? हाँ सर क्यों नहीं, जरूर जरूर आइए मैम आइए सर। देखिए सर प्रॉपर वेंटिलेशन है, लाइट्स हर तरफ से आती है सर। देखिए सर कितना आलीशान है सर, आप पूरे इत्मीनान से देखिए। साहब जी आप लोग जब ये घर खरीद ले लेना तो मुझे काम पे रख लेना। क्यों? साहब जी मैं पास में ही रहता हूँ, और फिर विशेष भैया का नया घर दूर हो जाएगा ना, मेरी नई नई शादी हुई है। तुम्हें काम पर रख लिया तो डेली ऐसे सड़ा हुआ खाना खिलाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। एक तो बड़ी भाभी है ना हमारी मीना भाभी, उन्हें पता नहीं कौन सा पाउडर मिला दिया, स्वाद ही खराब हो गया पूरे खाने का। कैसा पाउडर? साहब जी वो तो नहीं पता, लेकिन बड़ी भाभी अक्सर डालती है, लेकिन कुछ उससे होता नहीं है, सिर्फ खाने का स्वाद खराब होता है। अरे बाबू तुम्हें इस घर में किचन विचन नहीं दिखा क्या? किचन देखो, किसी भी हाल में पाउडर हथिया लेना किचन। चलिए ना मुझे प्लीज किचन दिखा दीजिए। जी भाभी जी आइए आइए। आप कितने स्वीट हैं बाबू, हम इनको ही काम पे रखेंगे। ओके खुजली शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए आइए सर, मैं आपको बाकी के रूम दिखा दूं। आइए सर। देख बेटे गुस्सा, सच बता वो गन वाला बॉक्स तूने गौरव से उस घर के सामने क्यों रखवाया था? किसे मारना चाहता था तू? मैं नहीं किसी को मारना चाहता था, मुझे ये काम करने के लिए कहा, मैंने अपनी जगह गौरव को भेज दिया बस। किसके कहने पे किया था? एक लड़की का फोन आया था। कौन लड़की?
वो कौन थी, किसको मारना चाहती थी, किस लिए मारना चाहती थी, वो सब कुछ मुझे नहीं पता। बस उसने फोन किया और मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, मैंने हाँ कर दिया बस। अच्छा, किस नंबर से फोन आया था, फोन नंबर दो। हाँ बताता हूँ ना, 1787502430, इसी नंबर से फोन किया था। सर नंबर बंद आ रहा है। कोई बात नहीं, नंबर बंद करके कब तक बचेगी। हम लोगों को आपका घर पसंद है तो एक बार फिर से ये घर देख लेते हैं और फिर पैसे की बात करते हैं। लेकिन आपने अभी तो देखा। हाँ मगर एक बार फिर से देखना चाहते हैं, दिल की तसल्ली के लिए। करोड़ों रुपए का मामला है। आप लोग घर देख लीजिए, मेरा तो आराम करने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बाबू तुम बेडरूम देखना चाहोगी ना? या हाँ, मैं लॉन देख लूंगा, इनको बेडरूम देखना है। मैं दिखाती हूँ आपको लॉन। ओह थैंक यू। आइए। इफ यू डोंट माइंड मैं देख सकती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। थैंक यू। कुछ भी आप आइए। नहीं आफ्टर यू। आइए सर, देखिए ये हमारा लॉन है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, देख रहे कौन करता है इसकी? मैं ध्यान रखती हूँ इसका। ओ, तभी तो सुंदर है। एकदम मेरी तरह ना? ये। शुक्रिया। वैसे ये संजय है? ये मेरा भाई है। अच्छा आपका भाई है। बहुत अच्छी जोड़ी है इनकी। वैसे इनका छोड़िए, आप आपकी बीवी उनका? बीवी? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ, मुझे देखकर उनको भूल गए क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं है। सर जूस, मैडम जूस। नो थैंक्स। आई तो मैं ये कह रहा था कि रुको ब्रेक लगाओ, कहाँ ले आ रहे हो? साहब जूस है। जूस? कौन सा जूस? आम का जूस। आम का जूस? अरे वाह, मेरा फेवरेट जूस है। अरे भाई साहब कहाँ यहाँ कहाँ गुजरा? अरे मैम सबको जूस देना है, अब हटिए ना। अरे मैम को आम के जूस से प्रॉब्लम है, समझे? वो नहीं पीती है सब। जाओ अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया, जाओ जाओ। ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। आपके घर का बगीचा देख के लगता है कि घर को खरीद लेना चाहिए। क्या हुआ? ये आवाज? आवाज? ये ऊपर से आ रही है। कहाँ? मुझे तो कोई आवाज नहीं। कौन है? कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं मैंने सुनी, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे मुझे आई लेकिन। उड़ जा मेरी मैना तेरे मुंह विच खंड पावा। आप गाना भी गाते हैं? आपके लिए वो कभी कभी ऐसे ही। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। लेकिन वो मैना नहीं है, कावा है, कावा। अच्छा। भावनाओं को समझो। वैसे पता नहीं क्यों आपको देख के वो दिल के अंदर और किस्सा बजने लगा। उर्चा, उर्चा, How sweet. मैं जरा एक मिनट देख के आती हूँ। हाँ, वो ये हमारा खुजली है ना, बस उड़ता रहता है। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना शगुन जी आपसे कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ वो क्या है ना, आपके साथ थी तो इसलिए शायद। आप भी ना, चलिए बात चलिए।
दया सर? कौन है? क्या हुआ सर? ऊपर मीना के बेडरूम से ये गन मिली। आप लोग कौन है? आप लोग सीआईडी? 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 लेकिन सर सासू माँ, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर में? मतलब आपने हम सब लोगों से झूठ बोला? माफ करना, हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला है कि आपके बेटे विशेष को कोई मारने का प्लान बना रहा है। क्या? मुझे मारने का? कौन? वही पता लगाना बाकी है। देखिए, आपकी बड़ी बहू मीना, उसके वार्डरोब से हमें ये गन मिली है। कहाँ है वो? मैं तो आज तक उसे सिर्फ कामचोर मानती थी। हे भगवान, मुझे नहीं पता था वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। मेरे बेटे को मार देगी वो। मीना कहाँ है? पता नहीं। मीना का नंबर दीजिए प्लीज। 11-9867-548-548। घंटी बज रही है और वो फोन नहीं उठा रही। कोई बात नहीं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हाँ, एक सेल फोन नंबर को ट्रेस करना है। हाँ, लोकेशन पता करो। नंबर है 11-9867-548। हाँ, ओह ठीक है ठीक है, थैंक यू। कुछ पता चला? मीना या इसी बंगले में। श्रेया, पंकज जरा चेक कर, देखो मीना का। सीढ़ियाँ कहाँ जाती? सर बेसमेंट है यहाँ पर। बेसमेंट? मीना, मीना, ओह नो। नीचे तहखाने में आ जाओ, मीना यहाँ है। माय गॉड सर, लगता है इसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। पकड़, जरा आसपास देखो, शायद मर्डर वेपन मिल जाए। लड़की के सैंडल की हील, सैंडल का टूटा हुआ है। इसके सैंडल तो सही सलामत है। मतलब ये हील खूनी का है। मतलब खूनी कोई औरत है, इसी घर की औरत। अब ये हील ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? मीना का खून हो गया। क्या? मीना? उसकी लाश नीचे तहखाने में। हे भगवान। आप लोगों को किसी पे शक? आज कोई बाहर वाला घर में आया था? नहीं सर, सुबह से कोई भी नहीं आया। अगर कोई बाहर वाला घर के अंदर नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसी घर वाले का ही है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरे परिवार की गिनती किन शरीफ खानदान में गिनी जाती है। अक्सर शरीफ चेहरों के पीछे जुर्म छुपा होता है, और आपकी शराफत का तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। साहब, मेरी बीबी को क्यों खड़ा किया साहब यहाँ? वो बेकसूर है साहब। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना आपको कि सिर्फ औरतें यहाँ पे खड़ी रहेंगी। आप अपने आप को औरत समझते हैं? चलिए बाहर। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप सब। अब आप सबको बारी बारी ये सैंडल ट्राई करना। अरे वाह, कमाल है। आपको लगता है इस सैंडल से आप खूनी को ढूंढ लेंगे? लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है।
उषा पहले तो इस घर की सारी औरतों के पैर के साइज एक ही है। मैं उतनी बेअकल नहीं हूँ कि उसे मारकर जेल में जाऊँ और बचा कुचा बुढ़ापा जेल में काटूँ। और रही मेरे बहू और बेटी की बात, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो माता जी आप ये कहना चाहती हो ये सब मैंने किया है? हो सकता है, पिछली बार मीना ने तुम्हें डांटा था ना? मीना दीदी तो सबको डांटती थी, सबको खरी खोटी सुनाती थी, इस हिसाब से तो कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है, और वो कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ फ्रेडी सर, आप ऐसे अजीब अजीब चेहरे क्यों बना रहे हैं? एक बात पूछूं डॉक्टर तारिका, बुरा तो नहीं मानूंगी? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, पूछे ना। इतनी बड़ी लैब में कंकाल और लाशें आती रहती है, तुम्हें अकेले काम करते हुए डर नहीं लगता क्या? जो काम करने में मजा आता है उसमें डर कैसा? फोरेंसिक का काम तो मेरे लिए एक पैशन है, तो काम नहीं है। तुम्हारे पैशन की मैं कदर करता हूँ, लेकिन लैब में इतनी लाशें आती रहती है, सोच सोच के मेरे पसीने छूट जाते। मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। लो, उंगली के निशान आ गए। किसके? एक मिनट ना। ओह गॉड, देखा आपने? अरे हाँ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये। सच सच बताओ, किसने मारा? आप हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। आतारिका, क्या? ओह, ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? मीना का खून किसी औरत ने नहीं, बल्कि किसी आदमी ने किया है। सर मतलब सैंडल की हील पे किसी आदमी की उंगलियों के निशान थे? हाँ, एक काम करो, घर पे जितने भी आदमी हैं सबको यहाँ पे लेके आओ, एक एक के उंगलियों के निशान लेने होंगे। अभी लाता हूँ। पहले घर की औरतों पर शक कर रहे थे और अब मर्दों पर? सर देख लीजिए, खूनी जरूर कोई बाहर वाला मिलेगा। मैडम, हमारी आपके घर वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, खूनी चाहे घर वाला हो या कोई बाहर वाला हो, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ खूनी को पकड़ना, बस। आइए आइए। शेष कहाँ? सर वो नहीं था मतलब सर। शेष कहाँ? साहब मैंने भी उनको बहुत देर से नहीं देखा। तो गलती तो नहीं तुमसे? सर नहीं सर, मैं बाथरूम में भी गया था सर, नहीं था सर वो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना ने विशेष को बेसमेंट में बुलाया था उसे मारने के लिए और उल्टा विशेष ने ही मीना का खून कर दिया? ये हो सकता है सेल्फ डिफेंस में। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। श्रेया, मोबाइल कंपनी से पता करो उसका लोकेशन क्या है अभी। अरे क्या करो तुम लोग, अरे पैर छोड़ो मेरे, अरे क्यों बांध रहे हो मुझे, अरे हो कौन तुम लोग, बचाओ कोई, कोई बचाओ मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, अरे खोलो मुझे खोलो, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे बचाओ। चलो अरे पागल हो गए तुम लोग,
ये क्या कर रहे हो? कोई है? कोई बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ! अब तुम अपना जुर्म खुद कबूल करोगी या मैं कुछ मदद करूं? हाँ, मैंने ही षड्यंत्र रचा था विशेष भाई साहब को मार डालने का। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मेरे और मेरे पति पुलकित के नाम। ऐसे और प्रॉपर्टी की लालच में तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी ना तो तुम मुझे ऐसे ही बोल देती। जैसे कि मैं मांगती और आप दे देते ना। साहब, हमने सोचा था सारा इल्जाम मीना भाई पे लगा देंगे, विशेष भाई साहब के मौत का। अगर इल्जाम मीना पे लगाना था तो मार क्यों दिया उसे? क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली थी और फिर सबके सामने हमारा भांडा फोड़ देती। जुर्म करने वालों का भांडा तो एक ना एक दिन फूट ही जाता। अब जेल जाओ, चक्की पीसो, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.